हेलो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दो जय हिंद तो जय जैस कर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर एट दैट इज मनी मार्केट उसकी यूनिट टू चल रही है यूनिट टू का काफी सारा पोर्शन लास्ट क्लास में हो गया था जहां पर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो आज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा गारंटी ले रहा हूं और आज इस यूनिट को खत्म भी करेंगे ठीक है जी बढ़िया तरीके से यूनिट को खत्म करेंगे दोस्तों देख लो जी लेक्चर नंबर फोर है आपका बस ये ध्यान रखना कि चौथा लेक्चर है इसका और इसको हम पांच से छह क्लासेस में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे मतलब एक या दो क्लास और होगी आपकी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर देख लो क्लास ओवर होने को है लास्ट क्लास में इसका पार्ट वन मतलब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था यूनिट टू का आज इसको पार्ट टू में करा रहा हूं मतलब आगे कॉन्सेप्ट करा रहा हूं और इस चैप्टर के अंदर आपको मेनली चार चीज पढ़नी है सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई हमारे पास दो सोर्स होते हैं प्राइमरी सोर्स सेंट्रल बैंक होता है जो हाई पावर्ड मनी को सप्लाई करता है इकोनॉमी के अंदर और दूसरा सोर्स होता है कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रेडिट मनी सप्लाई करता है कोई भी बैंको, बैंक कमर्शियल और कॉपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है फिर मनी सप्लाई को मेजर करने के चार तरीके हैं M1 M2 M3 M4 M1 को नैरो बोलते हैं M3 को ब्रोड बोलते हैं M2, M4 का कोई नाम नहीं है फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई मनी सप्लाई किस किस वजह से बदल सकती है इसको और आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और मनी मल्टीप्लायर का हमने दो तरीके से डिस्कस किया था अगर बैंक एक्सेस रिजर्व ना रखता हो तो उसका फॉर्मूला है अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रिजर्व रेशियो अगर वो एक्सेस रखता हो तो उसका फॉर्मूला है मोनिट्री मनी सप्लाई अपॉन मोनिट्री बेस इस फॉर्मूला की पोल खोली थी फिर हमने और दोबारा क्रिएट किया था ये तो बेसिक बता रहा हूं लेकिन आपको जो जानने की जरूरत है मैं आपको फिर से बताता हूं दोस्तों देश में मनी सप्लाई का मतलब वो स्टॉक ऑफ मनी की बात हो रही है जो पैसा पब्लिक के पास रखा है राइट right? ठीक है तो अगर इसको मैं नैरो मेजर से कैलकुलेट करता हूं बहुत पहले इसको किया जाता था तो M1 वन बोलता है ये होता है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ये होता है ना जो मेरा यह प्यारा करंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक है तो पब्लिक के पास जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसकी बात हो रही है यह पब्लिक के पास रखे हुए करंसी के नोट्स भी हो सकते हैं और कॉइंस भी हो सकते हैं कॉइंस भी, भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है ठीक है ना ओके चलो जी थोड़ी सी और बात कर लो मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बात करते हैं सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो भी पैसा देश के अंदर छोड़ता है उस पैसे को हम मॉनेटरी बेस बोलते हैं और दिस इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी क्या बोलते हैं हाई पावर्ड मनी हाई पावर्ड मनी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ही दूसरा नाम है राज्य रिजर्व मनी क्या बोला मैं रिजर्व मनी भी इसको बोल देते हैं डरने वाली बात नहीं है तो एक क्वेश्चन था ऐसा रिजर्व मनी के ऊपर हाई पावर्ड मनी के ऊपर तो रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक मनी बेस मनी हाई पावर्ड मनी ये सब चारों एक ही बात है और जो रिजर्व मनी होती है ना ये किस किस चीज को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है लेवल ऑफ लिक्विडिटी इन द इकॉनमी लिक्विडिटी मतलब इकॉनमी के अंदर कैश कितना है भाई साहब जितना सेंट्रल बैंक छोड़ेगा ठीक है जितना सेंट्रल बैंक छोड़ेगा पैसा देश के अंदर उतना लिक्विड तो कम से कम होगा ना कम से कम तो उतना तो होगा और फिर उसका कितना ज्यादा बढ़ जाएगा वो मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है लेकिन काफी हद तक ये बोल सकते हैं जो सेंट्रल बैंक के के द्वारा देश अंदर छोड़ा गया पैसा है उससे लेवल ऑफ कैश डिसाइड करने में हेल्प होती है प्लस इकॉनॉमी के अंदर प्राइस लेवल भी डिसाइड किया जाता है जो मनी सप्लाई होती है वो इकॉनॉमी के अंदर प्राइस लेवल को भी डिसाइड करने में हेल्प करती है बस इतना जान लो इसकी अंदर डेप्थ में नहीं जानना ठीक है और इट्स मैनेजमेंट इज क्रूशियल इंपॉर्टेंट टू स्टेबिलाईज द इकोनॉमी मनी सप्लाई की मैनेजमेंट या फिर रिजर्व मनी की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूशियल है देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए प्राइस लेवल की ही बात हो रही है प्राइस लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए क्या मैं अंदर तक बता दूं बता देता हूं चलो मान लो जब प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है तो ऐसे में ऐसे में इन्फ्लेशन आ गई है महंगाई आ गई है महंगाई आने का कारण होता है कि देश में डिमांड बहुत ज्यादा है तभी महंगाई आई है तो डिमांड बहुत ज्यादा है तभी प्राइस लेवल बढ़ा है तो गवर्नमेंट क्या करती है डिमांड को कम कराने के लिए टैक्स बढ़ा देती है लेकिन आरबीआई क्या करता है इस डिमांड को कम कराने के लिए मनी सप्लाई कम कर देता है तो ऐसे मनी सप्लाई खेल खेलती है प्राइस के साथ प्राइस को भी ऊपर नीचे करने के काम में आती है मनी सप्लाई ठीक है इसका उल्टा भी पॉसिबल है ठीक है जी इतनी बातें आपको पता थी और तुम फंसे थे इस वाले न्यूमेरिकल में ये बोल रहा है करेंसी विद पब्लिक निकालो बाबा करेंसी विद पब्लिक तो मनी सप्लाई हो गई मनी सप्लाई ये बोल रहा है मनी सप्लाई कैलकुलेट करो ठीक है तो मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है अब यहां पर जो जो आइटम दिए हुए हैं उसके हिसाब से एक ही फॉर्मूला लग रहा है एम वन वाला ही पोस्ट ऑफिस वगैरह कुछ नहीं दिया ये होता है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इस क्वेश्चन में अदर डिपॉजिट कहीं नहीं दिए हुए, इसको जीरो मान लो डिमांड डिपॉजिट कहीं नहीं दिए हुए इसको जीरो क्वेश्चन तो 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 में क्या दिया हुआ नोट और रुपी का कॉइन मतलब एक रुपया दो रुपया दस रुपए का स्मॉल कॉइन चिंदीगिरी है पच्चीस पैसे पचास पैसे तो ये सारा पैसा देश के अंदर है लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि पब्लिक के पास है यानी ये सारा पैसा आरबीआई ने छोड़ा है हाई पावर्ड मनी के तौर पर अब इसमें से पब्लिक के पास कितना है तुम कैसे पता लगाओगे यार ये कुछ पैसा पब्लिक के पास होगा कुछ पैसा बैंकों के पास होगा तो सिर्फ पब्लिक के पास पूछा हुआ है ठीक है तो इसमें से जो बैंक ने अपने पास मेंटेन किया हुआ है कैश ये इंटरबैंक ट्रांजैक्शन वाला तुम मान सकते हो ठीक है इंटरबैंक ट्रांजैक्शन वाला मान सकते हो तो ये सारा आरबीआई का पैसा इसमें से माइनस कर दो ये वाला पैसा तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसकी वैल्यू बेसिकली क्योंकि ये तो जीरो ही हो गए ना तो आपके पास पब्लिक का पैसा आ जाएगा बोलो क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है अब पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा मैं गारंटी भी ले रहा हूं और ये आंसर भी मैच कर जाएगा आपका कि तीन आइटम जोड़े थे चौथे को माइनस किया था ऐसा क्यों किया था ठीक है जी ओके फिर दोस्तों आपको पता है एम टू का फॉर्मूला होता है एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक डिपॉजिट ये था अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है M2 निकालो मैं कह रहा हूं पहले निकाल लो बाद में ये वाला फॉर्मूला निकाल देना एम वन में इसको प्लस कर देना एम वन कैसे निकलता है पब्लिक के पास जो पैसा है डिमांड डिपॉजिट अदर डिपॉजिट तो यार यहां पर हम मॉड्यूल को बीट करेंगे किसको हम मॉड्यूल को बीट करेंगे और हम बिल्कुल सही अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मॉड्यूल का सुपड़ा साफ करेंगे देखो कैसे ये लो जी पब्लिक के पास कैश कितना है तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की अप्रोच से निकल जाएगा इसी अप्रोच से क्योंकि ऐसे ही आइटम दिए हुए हैं ठीक है तो देखो जी करेंसी सर्कुलेशन कॉइन दिए हुए दो तरीके के ये आरबीआई ने पैसा छोड़ दिया अब बैंकों ने इसमें से अपने पास कुछ पैसा रखा है तो इसको माइनस कर दो तो मेरे पास इन सबको प्लस करके और इसको माइनस करके ये वाला अमाउंट आएगा ठीक है मैं हैंड टू हैंड कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं तुम्हारे सामने चलो आज करते हैं काम पैंतीस आज तुम्हें कैलकुलेशन का ही जलवा दिखाता हूं भाई यहां कर रहा हूं अपने हाथ में ये चौबीस बीस नौ सौ चौसठ चौबीस बीस नाइन सिक्स फोर प्लस करूंगा पच्चीस पांच सौ बहत्तर पच्चीस पांच सात दो प्लस करूंगा सेवन फोर थ्री सेवन फोर थ्री इनको प्लस करके मेरे पास आया है यहां लिख देता हूं चौबीस सैतालीस टू सेवन नाइन अब इसमें से ये माइनस करना है माइनस कर देंगे राज्य सत्तानवे पांच सौ तिरसठ सत्तानवे पांच सौ तिरसठ कितना आ गया तेईस उनचास सात सौ सोलह तेईस उनचास सात सौ सोलह यह आ गया अब इसमें प्लस करूंगा क्या डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास है कहा के भाई ये रहे डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास एक तिहत छिहत्तर बानवे और एक आइटम और प्लस कर दूंगा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ये लिखे अड़तीस पांच सौ सात चलो जी ऐड कर देते भाई साहब अपना पहले वाला था तेईस उनचास सेवन वन सिक्स प्लस वन सेवन थ्री सेवन सिक्स देख लो नाइन टू प्लस मैं कर दूंगा थ्री एट फाइव जीरो सेवन थ्री एट फाइव जीरो सेवन और मेरे पास आंसर आ गया इकतालीस पच्चीस नौ सौ पंद्रह ये लो ये करोड़ में लिख देना भाई साहब दिस इज द आंसर और इकतालीस पच्चीस नौ सौ पंद्रह इसका भी आ रहा है लेकिन मोडुल ने बच्चों को गुमराह किया है भाई साहब देखो बहुत बेसिक तरीके से बता दिया ना तुम मनी सप्लाई सीखे थे मनी सप्लाई कैलकुलेट कर दी एम वन कैलकुलेट कर दिया ना है? अब इस बिचारे में तुम पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट ऐड कर दो पीले रंग से सर्कल करूंगा एम टू निकालने के लिए हेल्प करेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपोजिट इसमें यह प्लस कर दो यानी एम टू अगर निकालना है तो इसमें प्लस कर देंगे वन फोर वन सेवन एट सिक्स अब कोई दो राय नहीं है अब तो यही वाला आंसर आना है ये इसने कैसे निकाल दिया भाई मॉड्यूल ने क्या करा एक ये आइटम लेकर आया नया डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक ये लिखा डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक को हमने कंसीडर ही नहीं किया हमने कहा ले लो ठुल्लू हम नहीं कर रहे क्योंकि दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इन दोनों का टोटल होता है समझ रहे हो अंदर की बात बता रहा हूं और ये तुम्हारे सिलेबस में एक्सप्लेन ही नहीं किया ये एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिटेल चाहिए वो पहले इंटर में होता था अब मैं बोल तो रहा हूं उन्होंने क्वेश्चन तो इंटर वाले डाल दिए तुम्हारे इसमें लेकिन सिलेबस ऑल्टर कर दिया ठीक है डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक हा चेतन बिल्कुल सही समझ गया ठीक है तो यार ये सीन करा इन्होंने अभयदीप एम वन में अदर डिपॉजिट भी तो है ये रहे अदर डिपॉजिट ये रहे, ये ठीक रहे। है बस एम टू पूछा था ठीक है ओके रिपोर्ट है बच्चों को इतना शोट हो गया होगा रिया गुलाटी आईसीआई मॉड्यूल बनाते वक्त बहुत कुछ देखती है लेकिन इस बार कुछ रह गया होगा इस बार कुछ रह गया होगा नहीं गलतियां तो पहले भी हुई है मॉड्यूल में देखो यार एक तुम्हें दिल की बात बता दू बताओ मेरे दिल की बात सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते हो दिल की बात कहना चाहता हूं आपसे पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे मार कर मुझे पहले ही यकीन है कि दिल की बात आप सुनना चाहोगे या नहीं चाहोगे दिल की बात बताता हूं आपको देखो ये बात बहुत फेमस है और कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में है कि आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करना है तो मॉड्यूल के एक एक पॉइंट ढंग से पढ़ने होंगे ये बहुत फेमस है बात और दुनिया ये कहती है मैं कहता हूं मॉड्यूल जरूरी है लेकिन मॉड्यूल को मॉड्यूल की तरह पढ़ना जरूरी नहीं है जैसे स्टार्टिंग के मैंने आपको पांच चैप्टर पढ़ाए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो मैंने नहीं बोला आपको मॉड्यूल लाइन बाय लाइन पढ़ो मैंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना क्योंकि पहली पहली बार आया है क्योंकि तो टीचर की गाइडेंस अपने आप में बहुत काफी है भाई बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं जो तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करते हैं मॉड्यूल वहां तेल लेने चला जाता है और जब सी इंटरमीडिएट की बात होती है जब वहां तैयारी होती है तो मॉड्यूल के बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं समझ रहे हो ना मतलब मतलब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया तो फिर तुम क्वेश्चन क्रैक कर दोगे भाई समझे मतलब बिल्कुल ही मॉड्यूल के पीछे पढ़ना अगर तुम काफी हद तक मैं कह रहा हूं कि मॉड्यूल को नहीं पढ़ पाए हो तुमने क्लासेस भी अटेंड किए हैं तो यू आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन बहुत सही जगह जा रहे हो तुम लेकिन मॉड्यूल पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है तो मेरा दिल की बात कहने का पूरा कॉन्क्लूजन ये है कि अगर तुम्हें टीचर सही मिला हुआ है तो आप मॉड्यूल पे इतना ज्यादा विश्वास मत करो और अगर तुम सोचते हो कि भाई पूरी सेफ्टी लेनी है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप मॉड्यूल पे जाओ टीचर के पढ़ाने के बाद सब कुछ करने के बाद कॉन्सेप्ट की गहराई में घुसना हो तो टीचर ही घुसाएगा कॉन्सेप्ट की गहराई में मॉड्यूल कॉन्सेप्ट की गहराई में नहीं घुसाता मॉड्यूल में तो मुश्किल मुश्किल वर्ड लिखे हैं वो गहराई में घुसा रहा है क्या उन वर्ड को क्लियर ही नहीं कर रहा वो समझे तो एक प्रॉपर गाइडेंस की कहीं ना कहीं जरूरत है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज कि जब आप अपने टीचर से पढ़ते हो तो हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज अलग होता है काफी सारे टीचर सिर्फ मॉड्यूल को खुदा मानते हैं मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं आप उनका बैकग्राउंड उठा के देखो टीचर की क्लास हिट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो यार मैं अपने टाइम पे बात बताता हूं आपको क्या हो? काफी सारे टीचर ना बच्चों को वो पढ़ाते थे जो बच्चों को समझ में आता है अब वो एग्जाम में आता है या नहीं आता बच्चों को तो पता ही नहीं है तो बच्चे तो खुश है कि टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है हमें बहुत समझ में आ रहा है अरे वो कॉन्टेंट एग्जाम में आता है या नहीं आता है वो बताएगा उस टीचर का प्रीवियस रिकॉर्ड आप देखो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर के पढ़ाए हुए बच्चों ने उस सब्जेक्ट में नंबर लाए हैं या नहीं लाए हैं अगर उस टीचर के पढ़ाए हुए बच्चों के नंबर आए हैं तो वो टीचर फिर है, वो टीचर है मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ कोई भी ऐसी चीज पेश कर दो जो तुम्हें समझ में आ रही है ठीक है इससे बात नहीं बनती तुम्हारा एग्जाम भी टारगेट होना चाहिए सम्झे? और मैं किसी टीचर को रोस्ट नहीं कर रहा आप ये मत समझना मैं तुम्हें सही चॉइस बता रहा हूं सही चॉइस होनी चाहिए क्योंकि समझ रहे हो ना आप और इवन आपको मैं बताऊं आज यार मतलब मुझसे तुम बात करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अब मेरे को पंद्रवा साल है सोचो दो हजार दस से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं पंद्रह साल हो गए इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने इस फील्ड के अंदर बंदों को आते देखा है जाते देखा है इवन मेरे पढ़ाए हुए मेरे पढ़ाए हुए मेरे पढ़ाए हुए बंदे आज टीचर भी हैं उनसे मिलते हुए भी खुशी होती है और उनका कंटेंट भी बहुत जबरदस्त है ऐसी बात नहीं है तो एक इच्छा थी दिल की बात करना चाहता था मैंने कहा बच्चों से करूंगा यार ये बात और किससे कही जाएगी ठीक है मतलब ऐसा नहीं कह सकते तुम कि दस लोग पढ़ा के मैं टीचर बनाऊं मैंने जितने लोग पढ़ाए हैं उनमें से काफ़ी टीचर बने हैं तो इतना ही काफी है मतलब पढ़ाए हुए बंदे टीचर बने तो मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी मतलब इज्जत वाली बात है मेरी डिग्निटी काफी ऊपर पहुंच जाती है कि मेरे पढ़ाए हुए लोग टीचर्स हैं अच्छा लगता है और टीचर एक इतनी बड़ी ह्यूमन कैपिटल होती है आपको पता है चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे सी हो अगला सी कब बनेगा जब तक सी पढ़ाएगा नहीं तो अगला सीए कब बनेगा भाई जब तक डॉक्टर पढ़ाएगा नहीं तो अगला डॉक्टर कब बनेगा तो पढ़ाना इस पूरे देश में या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि पढ़ाना अगर छूट गया ना तो अगला कैंडिडेट कहां से बढ़ेगा अगला कैंडिडेट बनेगा कहां से तुम तो मुझे यह बता दो तुम लॉजिक पे बात करा करो हमें सोचा करो कभी इस चीज में तो अभी रिसेंटली आपको पता लग जाएगा जो चाणक्य 2.0 बैच है ना उससे आप रिवीजन कर लेना उससे आप रिवीजन करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मैं देता हूं चाणक्य टू पॉइंटो की वीडियोस स्पेशली आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है क्योंकि जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है ना उसको ही क्रिस्प करके थोड़ा जल्दी करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए पहली बात तो ये कि आपके लिए दूसरी बात कि उसमें अब तुम जब रिवाइज कर लोगे तो चैप्टर वाइज क्विज भी सॉल्व कर लेना तो आपके लिए इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्विज़ दी हुई है चैप्टर वाइज क्विज वो ऐप के अंदर डाल दी है और अकाउंट्स और लॉ के आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाएंगे सब हो जाएगा ये रिवीजन इंजेक्शन है ये समझ रहे हो इंजेक्शन होते हैं ना तो बस बिल्कुल अरिजीत भाई आ, हाँ मैं एक्चुअली क्या है ना जसमीत सर और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं संपूर्ण बैच के अंदर तो अभी कुछ चैप्टर्स दो चैप्टर मैंने बना दिए और तीन चैप्टर अब जसमीत सर बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट और बिजनेस साइकिल फिर नेशनल इनकम का मैंने वादा कर रखा तुमसे तो बहुत भयंकर कंटेंट लेकर आऊंगा ताकि आपका सारा ऐसे जैसे धीरे धीरे अप डाउन अपडाउन अपडाउन होकर चला था ना वो एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाए ठीक है ना लाऊंगा फिर पब्लिक फाइनेंस भी लाऊंगा मैंने वादा कर रखा है यार तो मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूँ नहीं ठीक है दोस्तों आ, आगे बढ़ते हैं देखो मैंने आपको बताया मल्टीप्लायर के बारे में तो मल्टीप्लायर का शॉर्ट करके हमने एक फॉर्मूला बनाया था और कैसे फॉर्मूला बना था अगर आपको याद नहीं है तो उसका कोई वजूद नहीं है बस समझने के लिए था ठीक है मेरी एज सुनोगे तुम एज के बारे में बात करते हो यार चलो आज आपको एक बात बताता हूं आज एक एक बात बता दू देखो <laughs> किसी और दिन बताऊंगा ठीक है वरना तुम बुजुर्ग मानने लग जाओगे मुझे ठीक है किसी और दिन बताऊंगा वो दिन भी आएगा जब जब ये सिलेबस खत्म होगा ना उस दिन बताऊंगा आज नहीं हल्की बात नहीं है मैंने दुनिया में अभी तक किसी को बताई ही नहीं यार लेकिन तुम्हें बताऊंगा ये बात कर रहा हूं मैं ठीक है देखो जी मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं और ये होता है सी प्लस डी और ये सी अपॉन आर आर और ई e आर ER का मतलब एक्सेस रिजर्व अच्छा एक्सेस रिजर्व की बात बता दूं आपको मैं आरबीआई ने बोला है बैंक्स को 20 का रिजर्व रखने के लिए इसमें एसएलआर और सीआरआर इंक्लूडेड है लेकिन बैंक अपनी मर्जी से 10 परसेंट रिजर्व फालतू रख रहे हैं तो टोटल रिजर्व कितना रख रहा है बैंक थर्टी का मान लो तो इसको बोलते हैं टोटल रिजर्व तो बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल रिजर्व होता है रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व इसको कभी रिक्वायर्ड रिजर्व बोल दिया रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बोल दिया पता नहीं क्या क्या और फिर यहीं से एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला क्रिएट हुआ टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व फाल तुम्हें तुम्हें घुमा रहा है यहां से वहां बस खेल खेल रहा था ठीक है जी लेकिन मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूं यहां पर इस फॉर्मुले से देखो जी ये जो सी है ये कैपिटल वाले हैं यहां पर जो है ये स्मॉल सी है ठीक है ये स्मॉल सी सी अपॉन डी है करेंसी अपॉन डिपॉजिट की रेशो और ये छोटा आर है ना ये रिजर्व रेशो को डिपॉजिट से डिवाइड किया हुआ है तो छोटा आर जो है ये रिजर्व रेशो डिवाइडेड बाय डिपॉजिट है और ये छोटा ई e जो है ये एक्सेस रिजर्व को डिपॉजिट से डिवाइड करने के बाद आया है तो ये इन सबकी रेशोज है बस इनको ध्यान रखना तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ठीक है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है भाई मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले कराए हैं मनी मल्टीप्लायर को ऐसा लिखूंगा जब बैंक कोई भी एक्सेस रिजर्व होल्ड नहीं करता जब बैंक के पास कोई एक्सेस रिजर्व है ही नहीं तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है वन अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो ठीक है और जब बैंक एक्सेस रिजर्व होल्ड करता है विद एक्सेस रिजर्व तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये पीछे वाला आ जाएगा जो तुम्हारे सामने था यानी ये छोटा सी प्लस वन अपॉन सी ये रिजर्व डिपॉजिट रेशो और ये एक्सेस रिजर्व डिपॉजिट रेशो ये फॉर्मूला जाएगा ये होता है मनी सप्लाई ये मॉनेटरी बेस इस तरीके का मान के चल सकते हो यानी मैंने बताया था मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में ठीक है ओके जी ठीक है जी अब आपको बताना जरूरी है कि देश के अंदर जो मनी सप्लाई होती है वो किस वजह से अफेक्ट होती है मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण क्या है 36 कारण होते हैं जो तुम्हारे कोर्स में दिया हुआ है वो तीन कारण दिए हुए मनी उसको बदल देगा उसकी वजह से मनी सप्लाई चेंज हो जाएगी ठीक है जो बैंक अपने पास रिजर्व डिपोजिट रेशियो होती है ये अगर बदल जाए तो भी मनी सप्लाई बदल जाएगी एक्सेस रिजर्व अगर बदल जाए तो भी मनी सप्लाई बदल जाएगी तो यहां पर मनी सप्लाई को बदलने के हमारे पास तीन फैक्टर हैं एक सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी बेस को बदल देता है दूसरा कमर्शियल बैंक का कमर्शियल बैंक वो रेशियोज को चेंज करता है रिक्वायर्ड एक्सेस रिजर्व कमर्शियल बैंक ही रखता है तीसरा है पब्लिक का हम लोग की सेविंग हैबिट भी डिपेंड करती है अगर हम पैसा अपने पास सेव करके रख लेते हैं तो वो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा और अगर बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा उधार पे नहीं दे पाएगा तो मनी सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक आपके लिए है दोस्तों इट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई पूरा प्रॉपर तो पहले तो यह बताऊंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई देने से पहले मनी मल्टीप्लायर की जो अप्रोच थी मनी सप्लाई से रिलेटेड ये मिल्टन फ्रेडमेन और अन्ना स्क्वाड्स ने 1963 में दी थी यह कहते थे तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो मनी सप्लाई को इमीडिएट बदल सकते हैं कौन कौन से तीन फैक्टर हैं पहला सेंट्रल बैंक का बिहेवियर सेंट्रल बैंक की जो गतिविधि है ना गतिविधि 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 एक्टिविटीज है उसकी वजह से मनी सप्लाई चेंज हो जाती है दूसरा कमर्शियल बैंक की वजह से मनी सप्लाई चेंज होती है और तीसरा पब्लिक के बिहेवियर की वजह से मनी सप्लाई

सीआरआर और एस का टोटल अगर बैंक ज्यादा रिजर्व रखेगा अपने पास तो लोन कम दे पाएगा फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास मानो सो करोड़ रुपया डिपोजिट है बैंक अस्सी का, का लोन देता है लेकिन अगर बैंक ने रिजर्व तीस का रख लिया तो सत्तर का लोन दे पाएगा तो लोन कम देगा तो क्रेडिट मनी कम सप्लाई होगी ना और ये भी तो देश की मनी का सप्लाई पार्ट होती है तो रिजर्व की और डिपॉजिट की जो रेशियो है आप इसको कैसे भी कर सकते हो ये अफेक्ट करती है ठीक है अगर रिजर्व डिपोजिट रेशियो ज्यादा होगी मैं बोल देता हूं यहां पर रिजर्व डिपोजिट रेटर्व डिपोजिट तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी यहां पर हाई पावर्ड मनी ज्यादा होगी तो देश में पैसा ज्यादा है मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी इतना समझ रहे हो ये फैक्टर ओके डाउट ज्यादा भी एक बार रुझाओ फिर ये पब्लिक की है करेंसी डिपोजिट रेशियो करेंसी डिपोजिट रेशियो को छोटा सी बोलते हैं सी एपोन डी कहां था ये ये सी ये करेंसी डिपोजिट रेशियो है भाई ठीक है तो पब्लिक के पास मान लो सौ रुपया है पब्लिक इसमें से साठ रुपया डिपॉजिट देती है बैंक में तो अपनी करंसी का कितना हिस्सा डिपॉजिट कराती है ये भी तो देखो तो पब्लिक पे पब्लिक के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है अगर करंसी डिपॉजिट रेशो बहुत ज्यादा है यानी इसका मतलब करेंसी का मेजर हिस्सा पब्लिक डिपॉजिट करा देती है तो इसका मतलब जब डिपॉजिट होगा तो बैंक भी आगे लोन दे पाएंगे ठीक है ना तो करेंसी डिपॉजिट रेशो को छी सी बोल लिया सी अगर ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि हाँ करेंसी डिपॉजिट रेशो ज्यादा है पब्लिक ज्यादा पैसा बैंक में जमा कराती है तो बैंक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा बैंक मनी सप्लाई ज्यादा कर देगा देगाट कूल cool है ठीक ठाक सब कुछ ओके रिपोर्ट ठीक है चलो जी इतनी बात समझ में आ रही है तो ये था एक नॉर्मल बिहेवियर अब दोस्तों एक टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको बताऊंगा ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑपरेशंस देखो जी ये ऑपरेशन का मतलब होता है काम ठीक है अच्छा डाउट देख लो पहले बच्चों के हाँ जी डाउट देख लो इसको स्पेशल बातें बताऊंगा सर अर्ज क्या है जो आग दिल में लगी है जमाने में लगा दूंगा उसकी डोली जो उठी तो कोई बात नहीं टैलेंटेड हूं दूसरी बना लूंगा अरे भाई सर आप पब्लिक फाइनेंस में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट है ना उसकी लिस्ट दे दो आइडेंटिफाई करने में इजी होगा लिखी हुई है क्लास में स्लाइड में उसकी एग्जाम्पल लिखे हुए थे आप ही सारे अरे निखिल भाई मैनेज करके चलना पड़ता है उसका सर यूट्यूब पे वीडियोस कब आएगी अच्छा पंद्रह तारीख को मैं नेशनल इनकम प्रोवाइड करूंगा ध्यान रखना और कम्युनिटी पोस्ट में सब दिया हुआ है ठीक है ओके व्हाट डज हैंड विद बैंक ये हैंड विद बैंक मतलब जो बैंक ने अपने पास रख लिया था वो पैसा कैश और कॉइन्स का लिक्विड मनी में डिमांड डिपोजिट भी आता है ना हाँ आता है भाई किशन सर मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया तब पेमेंट फेल हो गया लेकिन अभी तक आई ने रिफंड नहीं किया मैंने जी किया तो रिस्पॉन्स नहीं आया बात करता हूँ तो तीन दिन में आ जाएगा अड़तालीस घंटे में आ जाएगा ऐसा बोलते हैं आपसे देखो आपके आपसे कितना दूर है आई का ऑफिस वहाँ जा सकते हो सर प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दो आप प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर देखो प्राइवेट तो प्राइवेट कंपनीज और हम लोग प्राइवेट हैं पब्लिक और गवर्नमेंट एक ही बात है पब्लिक और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एक ही बात है ठीक है अगर बैंक लिमिट से ज़्यादा रिक्वायर्ड रिजर्व रिजर्वेश बना ले तो उससे क्या इफेक्ट होगा जब बैंक बहुत ज्यादा रिजर्व रख लेगा अपने पास तो लोन कम दे पाएगा पैसा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का वन शॉट यूट्यूब पे नहीं आया अरे भाई आ गया था राधा क्या बात कर रही हो बच्चों बताना जरा यू पे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का वन शॉट चाणक्य टू पॉइंटों का आया नहीं आया उसके अंदर दे दनादन एमसीक्यू भी सोल्व करा रखे हैं सिलेबस हो जाएगा दानिश बीस अप्रैल तक कंप्लीट मेरा मुझे मॉड्यूल की लैंग्वेज समझ नहीं आती आपके नोट से ही पढ़ू तो चलेगा चल जाएगा मेरे भाई चल जाएगा चिकू सर आप नेशनल इनकम का वन शॉट मस्त फाड़ू बनाना मैं अपने फ्रेंड्स को टप्पा मार के बोला हूँ कि सर ने एकदम बढ़िया पढ़ाया नेशनल इनकम मैं उनको बताऊंगी कि वो वन शॉट shot... अच्छा श्रेया अरे आप देखना जरा तहलका मत जाएगा मार्केट में नेशनल इनकम का वीडियो आते ही एक्सप्लेन इंक्रीज इन मॉनेटरी बेस दैट गोज इनटू करेंसी इज नॉट अप्लाइड एक्सप्लेन एन इंक्रीज इन द मॉनिटरी बेस दैट गोज इंटू करेंसी इज नॉट मल्टीप्लाइड वेर एज इंक्रीज इन मॉनिटरी बेस दैट गोज इंटू सपोर्टिंग डिपॉजिट इज मल्टीप्लाइड देखो शिवम आप बोल रहे हो कि मॉनिटरी बेस में अगर बढ़ावा हो जाएगा तो करेंसी इज नॉट मल्टीप्लाइड मॉनिटरी बेस में बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ती है मॉनिटरी बेस बढ़ेगा तो आरबीआई ने ज्यादा पैसा इन्फ्यूज कर दिया मार्केट में और फिर वो चीज डिपेंड करेगी कमर्शियल बैंक के रिजर्व रेशों पे वो मनी कितनी बार मल्टीप्लाई होगी ठीक है इंक्रीज इन मॉनेटरी बेस दैट गोज इन टू सपोर्टिंग डिपोजिट ये और पहली बात तो ये जो थियोरटिकल क्वेश्चन आप बोल रहे हो ये चार से छह नंबर का आता था, था पहले लेकिन अब तुम्हारे तो किसी काम का भी नहीं है ये क्योंकि तो एमसीक्यू आएगा सर एग्जाम की वजह से बैकलॉग लग गया था अभी रिवीजन करूं या बैकलॉग पूरा करूं भाई दोनों काम करो सर ये क्या बात हुई पहले आप अपनी आदत लगाकर हमें <laughs> सारे यार निकल भाई

गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में ओपनली सेल भी करते हैं और बाय भी कर लेते हैं मार्केट में ओपनली मतलब छुप छुपा के काम नहीं करते सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट कंपनी की सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचता भी है खरीदता भी है देखो जी मान लो ये सेंट्रल बैंक है इसने मार्केट में यानी हम लोगों को हाउस होल्ड लिख दिया मान लो पब्लिक लिख दिया पब्लिक को इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर दी तो पब्लिक से ये पैसा ले लेता है क्योंकि तो पब्लिक कुछ खरीदेगा पब्लिक ने कुछ खरीदा तो पेमेंट करेगी ना तो मनी ले लिया इसने हमसे तो देश के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का एक मस्त तरीका भी है इनके पास ठीक है अगर मान लो आरबीआई ने पब्लिक को अट्रैक्ट कर लिया और बोला मस्त रेट दे रहा हूं तुम मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दो आरबीआई बाय कर लेगा तो इस बार आरबीआई पैसा दे देगा आरबीआई पैसा देगा ना आरबीआई खरीद रहा है तो जब आरबीआई बाय करता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है इस बात का रिलेशन एक टॉपिक से है और इसको एक्सप्लेन नहीं किया वो मॉड्यूल में तो थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया ठीक है थोड़ा सा बेसिक बता दिया इतना ही समझ लो बस टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई क्या बोला मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई कहता है देश के जब जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं इसका मीनिंग तो यूनिट थ्री में बताएंगे लेकिन तुम्हें पता है यूनिट थ्री में इसका मीनिंग बताएंगे लेकिन बोल रहा है कि मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के काम आती है क्या रहा है इफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री वॉन्ट्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस अगर देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी बिजनेस एक्टिविटीज को सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करना चाहता है तो वो कर सकता है इट कैन डू इट बाय इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम वो देश में लिक्विडिटी छोड़ देगा हाई पावर्ड मनी छोड़ देगा तो देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें से एक नया तरीका है है इसके पास कहता फॉर एग्जाम्पल ओपन मार्केट ऑपरेशन जो सेंट्रल बैंक करता है उससे भी वो ऐसा कर सकता है क्या बोलेगा परचेज कर लेगा बाय कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसकी वजह से क्या करेगा ये रहा बाय कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पब्लिक को पैसा दे देगा तो कहता है इंजेक्ट कर देगा हाई पावर्ड मनी इन टू द सिस्टम और कुछ अजम्पन है इस बात की आजम्शन यही है कि अभी कोई एक्सेस रिजर्व की बात नहीं हो रही है और कह रहा है कि जो पैसा इकोनॉमी के अंदर जाएगा लोगों के पास तो लोग उसको बैंकों में जमा भी कराएंगे तो बैंक आगे लोन भी दे देगा तो आगे कुछ क्रेडिट क्रिएशन भी हो जाएगी और ये भी मान रहा है कि लोन देगा तो लोग लोन लेना भी चाहते हैं बिजनेस लोन लेना भी चाहते हैं लोन की डिमांड भी है होता ही ऐसा है होती है भाई लोन की डिमांड ठीक है और यहां पर बोल रहा है जितनी भी मनी सप्लाई चेंज होगी वो मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय रिजर्व होगी ये एक फॉर्मूला है बस आपको ये रटना ही पड़ेगा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है ना जब कोई एक्सेस रिजर्व नहीं होता तो यही वाला फॉर्मूला होता है छोटा सा इतु सा लवली फॉर्मूला होता है ठीक है चलो जी कुछ बात कर ले आपसे कोई इसके तौर पर लो जी क्वेश्चन है भाई रिजर्व मनी का दूसरा नाम बता दो बता दो ना डर क्यों रहे हो तीस सेकंड का टाइम है रिजर्व मनी का दूसरा नाम बता दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लू मैं हां श्रेया खा लो भाई आलू बिरयानी खा लो तुम तो। शुरू में ही बताया था ये सारे नाम है रिजर्व मनी के डी वाला राइट आंसर होगा और इसके लिए ज्यादा वेट मत मुझसे मैं भी एक्साइटेड हूं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है जानने के लिए आ, सामिया सामिया आ, थी शायद सावन अभिनंदन यश सची कुमारी चलो जी अगला क्वेश्चन रिजर्व मनी में क्या क्या इंक्लूडेड है मॉड्यूल में तो नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन पूछा है समझ रहे हो ना रिजर्व मनी में देखो इधर लिखा है करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड डिपोजिट बैंक और अदर डिपोजिट ये तो M1 का फॉर्मूला है ये मनी सप्लाई है ये रिजर्व मनी नहीं है रिजर्व मनी मतलब जो आरबीआई ने इश्यू कर दिया पैसा जो आरबीआई पैसा इश्यू करता है वो हाई पावर्ड मनी होता है हाँ होता है कहता है कहता हाई पावर्ड मनी के टुकड़े कहां हो रखे हैं तो देखो कुछ पैसा पब्लिक के पास है कुछ पैसा बैंकों के पास है है ना लेकिन बैंक ने भी कुछ पैसा उसमें से आरबीआई के पास वापस डिपॉजिट कर दिया कैसे बैंक के पास मान लो सो रुपए आए हैं तो वो कुछ ना कुछ सीआरआर वगैरह तो देता है आरबीआई को तो कुछ डिपोजिट कर दिया और कुछ दूसरी फॉर्म में दूसरे लोगों के द्वारा आरबीआई के पास डिपोजिट आ गया यानी ये आरबीआई अगर देश के अंदर सौ रुपया छोड़ता है तो किसी ना किसी तरीके से कुछ कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपोजिट के तरीके से जाता रहता है कुछ तो बैंक वगैरह करा देते हैं कुछ अदर इंस्टीट्यूशन वगैरह करा देते हैं समझ लो तो बी इज द राइट आंसर ठीक है सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है और आपको एक अंदर की बात बताऊं आप मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के चार तरीके पढ़ते हो ना m1 m2 m3 m4 कोई भी नहीं है रियल जिंदगी में नए तरीके आए हैं nm1 nm2 ऐसे करके और रिजर्व मनी को बोलते थे m0 यानी m0 लेकिन ये नहीं लिखा लिखा नहीं है अभी तो थोड़ा सा और रोस्ट करना बाकी है मॉड्यूल को खोल के दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा क्या-क्या कचरा रखा है ठीक है चलो जी ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ आराम से कर लो सॉल्व आराम से कर लो पढ़ भी दो और सब कुछ तुम करो चलो जी पढ़ लिया क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई का क्या रिश्ता है मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई का क्या रिश्ता है मैं बता देता हूं। जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होता है मनी सप्लाई भी उतनी ज्यादा होती है क्योंकि मनी मल्टीप्लायर पता है क्या बोलता आरबीआई ने जो हाई पावर मनी छोड़ी है वो कितने गुना हो जाएगी वो कितने गुना हो जाएगी आरबीआई ने दस रुपया छोड़ा है और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू दो है तो दो गुना होकर बीस रुपए की मनी सप्लाई हो जाएगी देश में ये बोलता है ऐसा रिलेशन है लेकिन ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से चूज करो कह रहा है मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे एक्सेस रिजर्व से अच्छा 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 इन दोनों में तो पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन ये बोल रहा है इन दोनों का एक्सेस रिजर्व रेशो के साथ कैसा रिलेशन है पॉजिटिव नहीं है भाई अगर बैंक ने ज्यादा रिजर्व रखना शुरू कर दिया ना तो मनी सप्लाई नीचे गिर जाती है नेगेटिव रिलेशन है अगला देखो नेगेटिवली रिलेटेड विद एक्सेस रिजर्व रेशो हाँ ये ठीक है ये बढ़ाएगा रिजर्व तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी बी वाला राइट होगा बस फिर फालतू तो फंडे पालने ही नहीं है यश आराध्या चाहत प्रिंस ललिता ललिता का बहुत दिनों में नाम आया भाई ठीक है ओके रिपोर्ट है भाई कह रहा है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू लार्ज होगी कब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ये छोटू एम ज्यादा कब होगा इनमें से ऑप्शन से तुम्हारे पास कब ज्यादा होगा देखो जी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला c 1 c r e ये ध्यान रख लेना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है जो ज्यादा आएगा पेपर में देखो जी ये रिजर्व जब कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी एक्सेस रिजर्व जब कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी ये दो बातें तो कंफर्म है कहीं लिखिए यहां पर ठीक है ठीक है और करंसी डिपॉजिट रेशो यार मैंने आपको एक बात बताई थी अच्छा देखो यार ध्यान से वो वहां मिस्टेक हो गई आपको मुझे बताना ही है हाँ ये देखो दोस्तों करंसी डिपॉजिट रेशो अगर ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी करंसी का ज्यादा पोर्शन पब्लिक डिपॉजिट करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन करेंसी डिपॉजिट रेशियो में डिपॉजिट नीचे आता है डिनोमिनेटर में तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज्यादा होने का मतलब पब्लिक ज्यादा पैसा बैंक में जमा नहीं कराएगी ठीक है ना उल्टा हो गया तो मुझे ये चीज आपको ठीक करके यहां बतानी थी आ गया क्वेश्चन हमारा ये राजे हां जी तो एक करेंसी डिपॉजिट रेशियो अगर ज्यादा हो गई तो इसकी वजह से भी मनी सप्लाई कम आ जाएगी तो अबे काका मैटर कहां बता दिया ये रहा जी ये ज्यादा होगी मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऐसा कहा लिखा है करेंसी डिपोजिट रेशो का मनी सप्लाई से उल्टा रिलेशन तो मनी मल्टीप्लायर या फिर मनी सप्लाई ज्यादा होगी जब लोअर करेंसी करो होगी लोअर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो होगी लोअर एक्सेस रिजर्व होगा जब ये तीनों लोअर होंगे तब मल्टीप्लायर लार्ज हो जाएगा है ना ये कम होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मल्टीप्लायर ज्यादा हो जाएगा तो मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई को सेम डायरेक्शन में लेकर चलो सी so, वाला बी द राइट आंसर इन दैट केस ठीक है क्वेश्चन और आपके लिए द रेशो दैट रिलेट विथ चेंज इन द मनी सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन मोनेटरी बेस इज कॉल्ड यानी कहता है थर्टी सेकेंड तुम्हारे पास भी है भाई कहता है चेंज इन मनी सप्लाई अपॉन चेंज इन मोनेटरी बेस का रेशो क्या कहलाता है भाई मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस का चेंज शुरू में पड़ा था ये मल्टीप्लायर है क्या है मल्टीप्लायर इसका ही फॉर्मूला है जो अदल बदल करके ये बन जाता है इसकी पूरी प्रॉपर डेरिवेशन भी सिखाई थी इसका ही फॉर्मूला है कहीं लिखा है यहाँ पर ये लिखा जी मनी मल्टीप्लायर तुम्हारा इसमें पोल नहीं चलेगा पोल मैं जल्दी बंद कर रहा हूं क्योंकि पता है इसका आंसर क्या है जानते होंगे बच्चे ठीक है सामिया अभिनंदन यश नंदन ललिता ललिता इन द हाउस वेरी गुड ठीक है जी ओके चलो जी एक छोटा सा टॉपिक और आगे बता देता हूं आपको फिर बढ़ते हैं कहता है इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लास्ट टॉपिक है चैप्टर का इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई सरकार के एक्सपेंडिचर का भी मनी सप्लाई पे फर्क पड़ता है क्या कोई सरकार के मनी एक्सपेंडिचर का सरकार जो खर्चा करती है उसका भी कोई फर्क पड़ता है क्या कोई इससे पहले आपको एक बात बताऊं देखो जी जब जब सरकार को लगता है कि इसके पास कैश की कमी है यह उधार मांगने पहुंच जाता है आरबीआई के पास बहुत सारी जगह से उधार मांग सकता है आरबीआई से भी मांगता है आरबीआई के पास इसका एक स्पेशल अकाउंट account है अकाउंट्स में तुमने पढ़ा होगा अकाउंट्स में तुमने पढ़ा होगा वो एक फैसिलिटी होती है इको में तुम पढ़ लो वो एक सरकार का स्पेशल अकाउंट भी होता है आरबीआई के पास उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट ये बार बार ओवरड्राफ्ट मांग लेती है सरकार इससे ओवरड्राफ्ट को वेज एंड मीन्स अकाउंट भी बोलते हैं पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ठीक है मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था एमसीक्यू करा दिया था इसका अब इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है कहता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैश बैलेंस फॉल शॉर्ट जब जब सरकारों का कैश बैलेंस कम हो जाता है तो बाबा यह डब्ल्यूएम यानी वेज एंड मीन एडवांस या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं आरबीआई के पास जाते हैं मांगते हैं वेन आरबीआई लैंड टू गवर्नमेंट अंडर दिस इस फैसिलिटी के हिसाब से जब आरबीआई लैंड करता है गवर्नमेंट को तो इट रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ एक्सेस रिजर्व है एक्सेस रिजर्व जनरेट हो जाएगा कैसे इसके पीछे रूल है कहते है, सरकारों ने पैसा आरबीआई से ले लिया आरबीआई से ले लिया तो किसी परपज के ले लिया होगा कोई सड़क बनवानी होगी या कुछ बनवाना होगा तो जब वो गया होगा पब्लिक के पास या कॉन्ट्रैक्टर के पास या जिससे भी सड़क बनवाई होगी बिल्डिंग बनवाई होगी कुछ तो किया होगा उस पैसे का तो उस बंदे के पास यानी अल्टीमेटली वो पैसा देश में पहुंच गया देश में पहुंच गया तो बैंकों के पास पहुंचा होगा और तो बैंक भी उसको भाई माना जाता है कि बैंक भी एक्सेस रिजर्व रख लेते हैं तो यहां से एक्सेस रिजर्व क्रिएट हो जाएगा तो एक्सेस बैलेंस ऑफ कमर्शियल बैंक विद कमर्शियल रिजर्व बैंक भी हो जाएगा यानी जब आरबीआई पैसा देश में छोड़ता है वो बैंक के पास जाता है बैंक उसमें से एक्सेस रिजर्व रख सकता है है ना और उसमें से कुछ पैसा वो आरबीआई के पास भी रखवाएगा तो कुछ कुछ करके वो आरबीआई के पास भी घुसता रहेगा थोड़ थोड़ा थोड़ा पैसा तो सर्कल चलता रहता है मनी साइकिल है भाई तो दिस बिकॉज गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ये मतलब इसके पीछे का लॉजिक यहां बता रखा है कि गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है कुछ ना कुछ तो करेगी बैंकों के पास पैसा जमा रखा रखेगी चाहे किसी को वो सैलरी दे चाहे सड़क बनवाए चाहे कुछ भी करे ठीक है तो कहने का मतलब है द एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट पोटेंशियली लिखा है द एक्स्ट्रा रिजर्व दस क्रिएट िएटेड कैन पोटेंशियली लीड टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई फॉल मतलब आएगा उसकी वजह से देश के अंदर मनी सप्लाई मल्टीप्लायर प्रोसेस से बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं बोलना चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंकों के पास आएगा तो बैंक भैया कुछ तो रिजर्व रखेंगे कुछ लोन पे भी देंगे लोन पे देंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कर देंगे बढ़ जाएगी मनी सप्लाई यहां पर चैप्टर खत्म होता है लेकिन ऐसे खत्म नहीं कर सकते आप कुछ मुश्किल लेवल के क्वेश्चन भी तो सॉल्व करोगे ठीक है मैं भाई कुछ मुश्किल लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूं लेकिन पहले आपकी बात भी करता हूं हाउ मेनी मल्टीप्लायर हाउ मनी मल्टीप्लायर मे बी जीरो मनी मल्टीप्लायर वैसे जीरो सच्चाई में नहीं होता लेकिन मॉड्यूल बोल रहा है हो सकता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तब मल्टीप्लायर जीरो हो सकता है मतलब देखो ना मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मान लो वन अपॉइन आर होता है समझ लो तो या तो ये रिजर्व रेशो ना के बराबर हो जाए तो ये कहानी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी खत्म हो जाएगी वैसे तो कुछ रिजर्व नहीं होगा तो बैंक अच्छा अच्छा इस अप्रोच को छोड़ो ये गलत अप्रोच हो जाएगी ये गलत अप्रोच हो जाएगी ये होता है ना मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो गया बहुत ही कम हो गया तो लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे डिपॉजिट नहीं करेंगे तो कद्दू क्रेडिट क्रिएशन होगी कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा सिर्फ इतना समझ लो इंटरेस्ट रेट जब बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तब ऐसा हो जाता है बैंक में पैसा जमा नहीं कराएंगे चलो जी क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट या फिर कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लायर इफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इज टेन परसेंट रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो टेन परसेंट है टेन परसेंट का मतलब होता है टेन अपॉन हंड्रेड यानी जीरो पॉइंट वन चलो जी छोटा आर जीरो पॉइंट वन एंड 12.5 परसेंट फॉर एवरी वन लैख डिपोजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम है दस परसेंट भी है और बारह परसेंट भी है बारह परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा भाई चलो बारह पॉइंट पांच परसेंट का मतलब हो जाएगा बारह पॉइंट पांच डिवाइडेड बाय सो यानी जीरो पॉइंट वन टू फाइव अच्छा जी क्या करें फिर इसका व्हाट विल बी द टोटल क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाई द बैंकिंग सिस्टम इन ईच केस अच्छा ईच केस मतलब कह रहा है दो सेपरेट क्वेश्चन है तुम्हारे पास इस केस में मनी मल्टीप्लायर कितना होगा ये बताओ और इस केस में मनी मल्टीप्लायर कितना होगा ये बताओ पहले तो देखो जी मनी मल्टीप्लायर होता है अपॉन रिक्वायर्ड शुरू में कितनी है और टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितनी होगी उसके लिए हम इनिशियल डिपोजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं मैंने सिखाया था आपको यह तो मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी दस और ये जो मनी इंफ्यूज की गई थी इसके हिसाब से दस इंटू एक लाख पांच लाख हो गया ना है ना फिर यहां से तुम निकालो इस वाले केस में वन अपॉन जीरो पॉइंट वन टू फाइव मल्टीप्लायर जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ था इस केस में ये आ जाएगी बस इसने यही पूछा है टोटल मनी क्रिएशन कितनी होगी इन दोनों केस के अंदर ठीक है जी कैलकुलेट तो आप कर दोगे यहां भी कैलकुलेट किया हुआ है ठीक है पहले वाले में मनी मल्टीप्लायर दस था दूसरे वाले में मनी मल्टीप्लायर ये ये आठ आ जाएगा तो आठ लाख हो जाएगी क्रेडिट क्रिएशन तो दस लाख और आठ लाख हाँ यही दिया हुआ है इतने फंडे करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है जी चलो कोई नहीं एक थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो चीजें भी मुझे बहुत क्लियर करनी है लेकिन तुम्हें पहले एक बार पूरा कॉन्टेंट देखना होगा ठीक है जैसे मैं बोलता हूं नेशनल इनकम में कैनेशियन थ्योरी में ना फोर सेक्टर वाला क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं है अरे क्योंकि पांच मिनट लगते हैं उसको सॉल्व करने में और तुम्हें एक मिनट से भी कम में सॉल्व करना होगा ठीक है आ जाओ जी इफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इज टेन परसेंट कहता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो टेन परसेंट है यानी मनी मल्टीप्लायर जो होता है अपॉन 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 रिक्वायर्ड रिजर्व होता होता है 10 होता है 0 .1 हो गया यानी दस वैल्यू आ गई मनी मल्टीप्लायर की आगे बोलो करेंसी इन सर्कुलेशन इज चार सो कहता है सर्कुलेशन में करेंसी चार सो है डिमांड डिपोजिट एक हजार है और एक्सेस रिजर्व एक बिलियन है क्या ये एक बिलियन है तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर अच्छा 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 ऐसे निकाल लेते हम तो मनी मल्टीप्लायर दस लेकिन यहां ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर एक्सेस रिजर्व भी है कितने है? तो यहां पर फॉर्मुला लगेगा आपका मनी मल्टीप्लायर का एक करेंसी डिपॉजिट रेशो प्लस वन अपॉन करेंसी डिपॉजिट रेशो रिजर्व डिपॉजिट रेशो और एक्सेस रिजर्व डिपोजिट रेशो ये फॉर्मूला लगना है क्योंकि एक्सेस रिजर्व दिया हुआ है समझ लो सबकी रेशो निकालेंगे भाई ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए और ये निकाल रखा आपके लिए फॉर एग्जाम्पल रिजर्व रेशो टेन परसेंट है इसको जीरो पॉइंट वन बोल सकते हो करेंसी चार सौ है और डिपॉजिट कितना है एक हजार मिलियन ये डिपॉजिट एक हजार मिलियन है करेंसी सर्कुलेशन चार सौ है और फिर एक्सेस रिजर्व एक बिलियन है तो देश के अंदर मनी सप्लाई कैलकुलेट कर लो करेंसी और डिपॉजिट दोनों को जोड़ के आ जाएगी अदर डिपॉजिट तो है ही नहीं अदर डिपॉजिट नहीं है ना तो इन दोनों को जोड़कर ये आ गई मनी सप्लाई चौदह सो इसमें डरने वाली बात नहीं है अब स्मॉल सी की वैल्यू निकालो बड़ा सी अपॉन डी होता है ठीक है बड़ा सी मतलब करंसी कितनी है चार डिपॉजिट कितने कितनी एक हजार तो चार को एक से डिवाइड कर दो जीरो आ गया ठीक है जी क्या होता है फॉर्मूला स्मोल सी प्लस वन अपॉन स्मॉल सी प्लस छोटा आर प्लस ई तो मैं क्या करूं इसकी जगह कितना आ गया छोटा सी जीरो पॉइंट फोर चलो जी आगे लो और डिपॉजिटर होल्ड फोर्टी परसेंट ऑफ देयर मनी एज करेंसी इसका मतलब हो गया कि फोर्टी परसेंट ऑफ जो भी उनका पैसा है उसको वो एज करेंसी होल्ड कर लेते हैं बाकी सारा जमा करा देते हैं ई मतलब आपके पास दिया हुआ है एक्सेस रिजर्व रेशो एक्सेस रिजर्व एक बिलियन है और डिपॉजिट कितना है हजार एक्सेस रिजर्व कैसे निकालते हैं एक्सेस एक्सेस निकालते हैं, जितना भी ठीक है चलो जी मल्टीप्लायर निकालना है आपको ये ऊपर जीरो पॉइंट फोर था प्लस वन होता है ऐसा, का ऐसा लिख दिया इसकी जगह लिखा हमने जीरो पॉइंट फोर ओके रिपोर्ट है प्लस जीरो पॉइंट फोर आ गया और जीरो पॉइंट वन निकाला था हमने शुरू तो में दिया हुआ था हाँ ये दी हुई है बीच वाले आर की वैल्यू जीरो पॉइंट वन और इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली है गई अरे कहा है ये जीरो वन तो अब काटा पीटी करके पूरी कैलकुलेशन के साथ तुम्हारे पास क्वेश्चन का आंसर आएगा टू पॉइंट सेवन नाइन मैंने तो यहीं से कॉपी कर लिया क्योंकि लिखा हुआ था तुम्हारे पास कैलकुलेटर है ठीक है तो इतना मल्टीप्लायर का वैल्यू आ जाएगा एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आने के चांस ही नहीं है एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन बता देता हूं एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको हद हद से ये ये एक्सेस रिजर्व रेशों निकालने के लिए दे देगा इन दोनों की वैल्यू देके सी छोटा सी निकालने के लिए दे देगा ऐसी छोटी छोटी बातें बोलेगा मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा छोटे वाले फॉर्मुला से तुम्हें तो एक्सेस रिजर्व देगा ही नहीं ये सब बातें हो सकती है ठीक है ओके रिपोर्ट है ना तो देख लो यार दोबारा भैया ये जो छोटा आर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ टेन परसेंट टेन परसेंट को बोलते हैं जीरो पॉइंट वन ये जो छोटा ई e है ये निकलता है कहा का लिखा था ये लिखा वन बिलियन अपॉन डिपॉजिट कितना है डिपॉजिट एक हजार का है वहां से निकाला था समझ गए और ये करेंसी डिपॉजिट रेशो है करेंसी चार सौ थी डिपोजिट हजार था उससे डिवाइड कर दिया ऐसे निकाला है दोबारा बता दिया मैंने थोड़ा सा रिपीट करना भी जरूर था ठीक है दोस्तों ओके रिपोर्ट है आगे कर करके छोटे 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 से क्वेश्चन रह गए हैं आपके कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया है ना चलो 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 चलो, चलो। बीच बीच में आपसे पंगे लेता हूं उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के ताकि ताकि दिमाग चले हाँ है बैंक्स इन द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास डिपोजिट रखना पड़ता है हाँ रखना पड़ता है किस लिए रखना पड़ता है आप ये बताओ यहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन गिवन है भैया बैंक बोलता है ना हाँ चेतन पवार खत्म हो गया सेंट्रल बैंक बोलता है कमर्शियल बैंक को कि मेरे पास तुम सीआरआर रखवाओ अभयदीप ई आर अपॉन डी मतलब छोटा ई नीरज खतरी छोटा सी निकालने का मतलब जितना भी करेंसी है जो दिया हुआ क्वेश्चन में डिपॉजिट कितना रखा है देखो जी इससे पहले मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बैंक के पास मानो हजार रुपया डिपोजिट है एक बैंक के पास डिपोजिट है आरबीआई कहता है थोड़ा सा पैसा सीआरआर के तौर पे मेरे पास रखवा दे मान ले पचास तो क्वेश्चन ये है कि क्यों रखवा दे क्यों रखवा दे क्योंकि तो आरबीआई कहता है मैं सभी बैंकों से थोड़ा थोड़ा पैसा लूंगा कोई बैंक अगर किसी भसूड़ी में फंस गया कोई पेमेंट की सेटलमेंट नहीं कर पाया तो इस पैसे से उसकी हेल्प कर देंगे समझ लो तो यहां पर लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन नहीं था ये रहा हा तो यहां पर लिखा हुआ है टू मीट द सेंट्रल बैंक प्रिस्क्राइब रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल बैंक के द्वारा बताई हुई इसको मीट करने के लिए यानी जो बोला है वो मानो एंड टू मीट सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस जो पेमेंट सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस होती है उसको मीट करने के लिए भी आरबीआई बोलता है मेरे पास कुछ पैसा रखवाओ रखवाओ भाई रख्वाओ. अच्छा जी. ये लो जी इसके लिए मैं तुम्हें पूरा एक मिनट दे रहा हूं करो काम पढ़ो क्वेश्चन हाँ आराध्या शाह हा चेतन देखो ये क्वेश्चन में लिखा है इफ द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कॉन्स्टेंट मतलब इनका बिहेवियर कॉन्स्टेंट है आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई है 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 भाई कहांट ऑफ मनी सप्लाई मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुम्हें अरे मैं कुछ पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता पढ़ाता हूं भाई पढ़ाता हूं मुझे पता है कहता है मनी सप्लाई के तीन डिटर्मिनेंट है एक बैंक का बिहेवियर एक पब्लिक का बिहेवियर और एक सेंट्रल बैंक का इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये दोनों है मतलब ये दोनों बिहेवियर नहीं बदल रहे तो देश की जो मनी सप्लाई है घुमाने तो हाँ। फिराने के लिए चलाकी से पूछता है तो यहां पर लिखा है टोटल सप्लाई ऑफ नोमिनल मनी मतलब जो मनी है उसकी बात कर रहा है इन द इकोमी विल वेरी डायरेक्टली डायरेक्टली मतलब पॉजिटिवली सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी सेंट्रल बैंक हाँ हाई पावर्ड मनी से ही देश की मनी सप्लाई बदलेगी दिस विल बी चुप हैं नहीं तो क्या होता सेंट्रल बैंक की हाई पावर्ड मनी और कमर्शियल बैंक के रिजर्व और पब्लिक की रिजर्व डिपोजिट रेशो और करेंसी डिपॉजिट रेशो इन तीनों से ही मनी सप्लाई बदलती है जब दो कॉन्स्टेंट है तो एक ही वजह से बदलेगी कोई दिक्कत नहीं है आकाश चेतन प्रत्युष कल्पना प्रिंस गुप्ता ठीक है जी एक और करा दू ये बोल रहा है अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम ये कोई सिस्टम नहीं है मतलब मुश्किल शब्द नहीं है मतलब बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक फ्रैक्शन एक पार्ट रिजर्व के तौर पे रखता है ना बस उसी से रिलेटेड वर्ड यूज किया हुआ है अगेन यू गाइस हैव अ सिंगल मिनट टू सॉल्व दिस डरना मत इस वर्ड से अच्छा बच्चे बोल रहे हैं मेरी एज पांच साल है <laughs> ha <laughs> ha चलो जी उस्ताद फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में बोलता है मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी रिजर्व मनी का मतलब हाई पावर्ड मनी बोलता है हाई पावर्ड मनी बढ़ेगी तो मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी हाँ ऐसा तो होता ही है नॉर्मली भी और मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा अब <laughs> ऐसा नॉर्मली होता है इसको ही लिखने की जरूरत क्या थी वही तो बोल रहा था वर्ड से डरना नहीं है हमारा जो सिस्टम है वो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम ही है असली में समझ रहे हो तो ए विल बी द आंसर अच्छे नहीं बताऊंगा किस किसने सही दिया एक क्वेश्चन हो रहा है तुमसे दो क्वेश्चन और पूछूंगा डैश टेल्स अस हाउ मच मनी विल बी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम फॉर अ इंक्रीज इन द हाई पावर्ड मनी अगर एक बार हाई पावर्ड मनी बढ़ गई तो कितनी क्रेडिट क्रिएशन होगी कितनी क्रेडिट क्रिएशन होगी कौन बताता है क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा ये कौन बताता है एक छोटा सा फॉर्मूला है तो मैं भी देता सेकंड पर। छोटा सा फॉर्मूला है बुक के अंदर यहां दिया हुआ है कि जितना मल्टीप्लायर होगा उसको मॉनेटरी बेस से मल्टीप्लाई कर दो इतनी देश के अंदर मनी सप्लाई क्रिएट होती है ठीक है तो हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाय हो जाएगी तो यहां जो भी मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर दिया होगा दिस विल बी द राइट आंसर ठीक है जी सामिया सूर्या प्रत्युष कल्पना अंशुल क्वेश्चन रहेगा बस और गिवन लेवल ऑफ द मॉनेटरी बेस मतलब जो भी देश के अंदर मॉनेटरी बेस है हाई पावर्ड मनी है उसकी बात हो रही है जितना है उसकी बात कर रहे हैं कितना है सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ गई है इससे इससे क्या होगा? इससे दोस्तों देखते हैं मनी सप्लाई कितनी बदलती है जितना मल्टीप्लायर होता है और जितनी हाई पावर्ड मनी होती है मल्टीप्लायर का फॉर्मुला देखो एक्सेस रिजर्व की बात ही नहीं कर रहा वन अपॉन आर कहता है इंक्रीज हो गया ये छोटा आर जब ये इंक्रीज हो जाएगा ना तो ये मल्टीप्लायर कम हो जाएगा मल्टीप्लायर अगर कम हो गया तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके कम आएगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी कहीं लिखा है और डिक्रीज इन मनी सप्लाई विल बी द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन ये आप सॉल्व करो ले लो जी एक मिनट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस वही बात हो रहा है मॉनेटरी बेस कुछ भी हो गिवन है इंक्रीज इन द करेंसी रेशियो करेंसी रेशियो बढ़ गई है करंसी रेशो कोजेज द मनी मल्टीप्लायर टू वॉट ठीक है करेंसी रेशो जानते हो ना करो हम इस छोटे फॉर्मूले में यूज ही नहीं करते हम यहां यूज करते हैं करंसी रेशो बड़े वाले फॉर्मूले में और बताया था कि करेंसी रेशो बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर दोनों ही कम हो जाएंगे चलो यहां तो कम होना आएगा एंड मनी सप्लाई अब जब मल्टीप्लायर कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी तो कम हो जाएगी ठीक है तो ये दिमाग लगाना था यहां पर कहा लिखा है दोनों जगह डिक्रीज ये लिखा जी दोनों डिक्रीज तो सी वाला विल बी द राइट आंसर इन दैट केस सामिया प्रत्युष आलोक आराध्या और चेतन ठीक है जी एक मेरी डाउट्स देख लो बच्चों के सर मॉड्यूल के क्वेश्चन सत्तर परसेंट सही हो जाते हैं बट हार्ड वर्डिंग वाले नहीं हो पाते इसलिए तो क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता दो मॉड्यूल के ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं कराया सर बैंक एक्सेस रिजर्व जिस मोटिव के लिए रखती है अगर वो मोटिव फुलफिल नहीं हुआ तो वो रिजर्व का क्या करती होगी भाई वही करती होगी जब घर में मम्मी पापा कुछ पैसा रखते हैं कि फ्यूचर में कोई गड़बड़ी होगी तो वो पैसा काम आ जाएगा फिर गड़बड़ी नहीं होती तो उस पैसे का क्या होता है है ना कुछ नहीं होता तो इसलिए एक टॉपिक भी है बुक के अंदर कि एक्सेस रिजर्व को होल्ड करने की कॉस्ट भी होती है अगर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व मतलब तुम एक्सेस रिजर्व रखे जा रहे हो छोड़ना इसको रखे जा रहे हो और किसी काम नहीं आ रहा वो तो तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो ठीक है मैं आपको दिखाऊं जरा वही मिस यूज मत करना इस व्हाट्सएप का भाई हाँ विनंद्र आज नहीं कर रहे यूनिट थ्री यूनिट टू ही काफी है ये देखो उस्ताद जी आजा आजा, आजा 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 राजा 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 राजा, 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 राजा। खुल जा फाउंडेशन लो जी मित्रों मनी मार्केट इसके पास सिर्फ दो चैप्टर रह गए कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई ये जी मैंने एक एक आइटम आपको करा दिया है मॉड्यूल से देखो जी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था सारा इंट्रोडक्शन बता दिया मनी के फंक्शन थे ठीक है इस टेबल का जो भी कॉन्टेंट था इस टेबल में करने की जरूरत नहीं हमने वैसे ही कर लिया। M1, M2, M3 कर लिया लिया मनी सप्लाई को क्यों कैलकुलेट करते हैं दो रीजन होते हैं कर लिया। credit, uh, process, process supply, हाँ। कर लिया प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ऑफ क्रेडिट मनी सप्लाई ये लिए हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक होते हैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने नहीं करी तो जो मैं तुम्हें तो यहां दिखाना चाहता था एक चीज ये सब कर चुके हैं यार ये फॉर्मूला हमने अपने तरीके से डिराइव किया है इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है बस आपको पता होना चाहिए देखो जी हां ये जब तुम मॉड्यूल से पढ़ोगे ना तब तुम्हें दुखी ना लगे ये मनी सप्लाई और ये मॉनेटरी बेस ये फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू छोटा मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय मॉनेटरी बेस ये बताया था ठीक है तो वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो यहां से आई थी मनी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ ठीक है वो हमने क्वेश्चन के साथ कर ली ठीक है ओके अच्छा मैं मॉड्यूल को रोस्ट करना मैंने कहा मॉड्यूल रोस्ट करेंगे ठीक है मॉड्यूल रोस्ट कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई का एक फॉर्मूला था जिसके में बात कर रहा था क्लास के अंदर आज ये ठीक है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना ठीक है ओके क्रेडिट मल्टीप्लायर का भी हो गया ये हमने इलास्ट्रेशन थी इसके अंदर चार दी हुई थी देखो भाई एक है ना मॉड्यूल में मॉड्यूल में समरी दी होती है ठीक है अगर बच्चा कभी समरी पढ़ने की भी कोशिश करे उसको दिखाना चाहता हूं ये देखो क्या दिया हुआ है एन एम थ्री एल वन एल टू ऐसा कहीं लिखा है मॉडल में और वो समरीज ने वही टेप दी जो पहले के कोर्स में वगैरह थी ना वही टेप दी बिल्कुल ऐसे क्यों किया भाई मान लो कोई मॉड्यूल में पढ़ने लगे समरी पढ़ ले बच्चा मान ले गलती से ऐसे तो में बोलता नहीं समरी पढ़नी चाहिए समरी किसी काम की नहीं होती आ, ये पढ़ने लगे तो बोले मैं ये क्या है हैं ये है ही नहीं ये आइटम ही नहीं है यहां पर कोर्स के अंदर समझे जरा ध्यान रखना है इस चीज को मैं तो बस ज्यादा बोल नहीं रहा कुछ क्वेश्चन भी ऐसे थे जब से मैक्रो इकोनॉमिक्स आई है कुछ क्वेश्चन भी ऐसे जिनका नाम नहीं दिया हुआ इसने लेकिन फिर भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है मतलब बोले जा रहा है बच्चों को पढ़ना है तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी यूनिट थ्री खत्म कर देंगे उम्मीद करता हूं बच्चों का प्यार पूरा का पूरा थोड़ा सा नहीं पूरा का पूरा चाहिए मुझे बना रहेगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी तो आज की क्लास में टॉपर नंबर वन पे चेतन आकाश प्रिंस रुद्रांश अभिनंदन सच्ची प्रत्युष सामिया फिरदोस नीरज झा अपर्णा राम दीज आर द टॉपर्स इन टूडेज क्लास मस्त रहो आबाद रहो जिंदाबाद रहो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो अपनी तैयारी करते रहो थकना नहीं है हारना नहीं है जब लगे थकान जब लगे बोर होना तब याद कर लेना अगर मैं बोर हुआ तो यार मेरा मुकाम हासिल नहीं होगा गड़बड़ी हो जाएगी मेरे रिजल्ट में तो बस वही बात तुम्हें मोटिवेट करेगी वही बात मोटिवेट करेगी तुम्हें जब जब लगे कि बोर हो रहा हूं नहीं कर रहा पढ़ने का मन तब तब यह सोच लेना कि बस रिजल्ट खराब हो सकता है इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और ऐसा सोचते रहोगे ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी पढ़ने की फिर इंटर में फाइनल में तुम बढ़िया से पढ़ लोगे तब तक आदत बन जाएगी तो भाई बच्चा सोचता होगा यार अभी बोरिंग लग रहा है तो इंटर में कैसे करूंगा फाइनल में कैसे करूंगा अरे भाई ये टाइम जब गुजर जाएगा ना बीत जाएगा तो आदत पड़ जाएगी पता भी नहीं लगेगा तुम्हें और ये होता है तुम फील तब करोगे जब ये हो जाएगा ठीक है दोस्तों आज की क्लास में फिर इतना ही है जय हिंद जय भारत नमस्कार धन्यवाद बाय बाय एवरीवन। टाटा